मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देवेंद्र फडणवीस ने इन्वेस्टमेंट में भारत में महाराष्ट्र को नंबर वन बनाने का काम किया है, नंबर वन बने। माताओं भाइयों बहनों, ये लोग देश का विकास नहीं कर सकते, महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकते, देश को सुरक्षित नहीं रख सकते, देश को एक नहीं रख सकते, देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, हिंदुओं के सम्मान के लिए ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताने चाहता हूं, मैं देश में जहां जहां जाता हूं, सभा होने के बाद सब कार्यकर्ता खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बनाना भाई, स्वाभाविक रूप से कहते हैं, मगर मोदी जी ने आपको तो बना बनाया मंत्री यहां पर भेज दिया है, रेडीमेड मंत्री दिया है। राणे साहब ने उद्धव जी की दादागिरी के सामने बड़ा संघर्ष किया है मित्रों, संघर्ष किया है, और राणे साहब अब भारतीय जनता पार्टी में है, रत्नागिरी को बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, राणे साहब को उनके राजनीतिक कद के हिसाब से प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो, बड़ी दूर से आया हूं मैं, बटन दबाएंगे कमल के निशान पर, नारायण राणे जी को जिताएंगे, 400 पार करेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे।